अरे वाह वाह, आज तो अच्छी दावत हो गई है। शेर राजा के बेटे को उठाकर ले आता है और उसे अपना आहार बना लेता है। बेटा कहाँ गया? मेरे बेटे को कोई चुरा कर ले गया है। महाराज मेरे बेटे को ढूंढ लाइए, नहीं तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी। लेकिन महारानी जी, आखिर इस महल से बच्चे को कोई चुरा कर कैसे ले जा सकता है? महाराज मैं कुछ नहीं जानती, बस मुझे मेरा बच्चा लौटा दीजिए। ठीक है महारानी जी, आप शांत हो जाइए। सैनिकों, तुम लोगों के रहते हुए हमारा बच्चा गायब कैसे हो गया? जाओ और मेरे बच्चे को ढूंढ कर लाओ, नहीं तो तुम सबको फांसी पर चढ़ा दूंगा। फिर सारे सैनिक राज्य में घूम घूम कर सभी से पूछने लगते हैं। अरे घनश्याम भाई, राजा साहब का बच्चा तो कहीं नहीं मिला है। यदि वापस महल चलोगे तो राजा हमें फांसी पर अवश्य चढ़ा देगा। चलो कहीं दूसरे शहर भाग चलते हैं। यदि हम सही सलामत रहेंगे तो पैसे कहीं भी कमा सकते हैं। इतना सोचकर वह दोनों वहां से चले जाते हैं। बाबा आंखें खोलिए, बाबा हमारी मदद करिए। बाबा क्या बात है बेटा, कौन हो तुम और तुम्हें क्या मदद चाहिए? बाबा मेरा नाम उन्नति राम है और मैं एक व्यापारी हूँ और यह मेरी पत्नी है। बाबा मुझे ईश्वर ने सब कुछ दिया है, बस एक औलाद की ही कमी है। बाबा आप ही मुझे कोई उपाय बता दीजिए जिससे मुझे संतान की प्राप्ति हो जाए। बेटा उपाय तो है, लेकिन उपाय बहुत ही कठिन है, इसमें तुम्हारा बहुत नुकसान भी हो सकता है। बताइए बाबा वह उपाय क्या है, मैं पुत्र प्राप्ति के लिए कोई भी नुकसान उठा सकता हूँ। तो सुनो बेटा, कल पूर्णमासी है, यदि तुम सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक दान करो तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। अगले ही दिन सुबह होते ही व्यापारी दान करने लगता है। दान करते करते उसे पूरा दिन गुजर जाता है और उसका सारा धन सूर्यास्त से पहले ही समाप्त हो जाता है। अरे मालिक, इस गरीब को भी कुछ दे दीजिए मालिक। बोलिए बाबा, आपको क्या चाहिए? मालिक मैं बेसहारा हूँ और इधर उधर की ठोकरें खाता हुआ घूम रहा हूँ मालिक। मेरे पास रहने के लिए घर तक नहीं है। यदि आप मुझे अपना यह घर दे दें तो आपकी बहुत कृपा होगी मुझ पर। ठीक है बाबा, जाइए, मैंने आपको यह घर दे दिया। मालिक मैंने 4 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है मालिक, और ना ही मेरे बीवी बच्चों ने कुछ खाया है। जैसे ही मुझे आपके बारे में पता चला मैं दौड़कर आपके पास आ गया मालिक। यदि आप मुझे 10 सोने की मुद्राएं दे दें तो मैं अपने परिवार का पेट कुछ दिनों के लिए पाल सकता हूँ। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? आखिर इसे 10 सोने की मुद्राएं कैसे दूँ जबकि मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा है? क्या करूँ भगवान? क्या सोच रहे हैं मालिक, क्या आप मेरी मदद नहीं करेंगे मालिक? नहीं नहीं, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें स्वर्ण मुद्राएं देता हूँ। फिर उन्नति राम एक सेठ के पास जाता है। सेठ जी मुझे 10 स्वर्ण मुद्राएं दे दीजिए, मैं आपको ये मुद्राएं कल तक लौटा दूंगा। मैं तुम्हें 10 स्वर्ण मुद्राएं तो दे सकता हूँ, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरे पास कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। लेकिन सेठ जी
मेरे पास तो आपको देने के लिए ऐसी कोई वस्तु नहीं है। नहीं नहीं, तुम्हारे पास एक ऐसी चीज है जो तुम मुझे देकर स्वर्ण मुद्राएं ले सकते हो। लेकिन सेठ जी, मेरे पास ऐसी क्या वस्तु है? उन्नति राम, तुम अपनी पत्नी को हमारे पास गिरवी रख दो। तब तक तुम्हारी पत्नी मेरे घर का सारा कार्य करेगी। जिस दिन तुम मुझे मेरी मुद्राएं वापस कर दोगे, उस दिन तुम अपनी पत्नी को ले जा सकते हो। ठीक है सेठ जी, मैं मंजूर हूँ, मुझे स्वर्ण मुद्राएं दे दीजिए। फिर वह सेठ उन्नति राम को 10 स्वर्ण मुद्राएं दे देता है और उन्नति राम वह स्वर्ण मुद्राएं उस भिक्षु को दे देता है। अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, अब मैं पैसे कहाँ से लाऊं? मैं ऐसा करता हूँ, अपने मित्र से मदद मांगने के लिए जाता हूँ। फिर वह मदद मांगने के लिए अपने मित्र के पास जाता है। मित्र, मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता है, मैं बहुत परेशानी में हूँ। मित्र, क्या बात है मित्र, तुम्हें किस बात की परेशानी है, बताओ मुझे। फिर उन्नति राम अपने मित्र को पूरी कहानी सुनाता है। अब मैं क्या करूं मित्र, तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो, मेरी मदद करो मित्र। लेकिन मित्र, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, इस बार व्यापार में बहुत ज्यादा घाटा हो गया है, जिसके कारण इस समय मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। उसका मित्र भी उसकी मदद करने से इनकार कर देता है तो उन्नति राम बहुत ही दुखी हो जाता है और वहाँ से वापस चल देता है। मुझे लगता है बहुत जोर का तूफान आने वाला है। हे भगवान, यह तो बहुत जोर की बारिश आ गई, अब क्या करूं? चलो इसी पेड़ के नीचे बैठ जाता हूँ, कुछ तो इस बारिश से बच पाऊंगा। उन्नति राम पूरी रात उसी पेड़ के नीचे बैठा रहता है। अरे सुबह तो हो गई, चलो चलता हूँ। उन्नति राम चलते चलते बहुत थक जाता है और उसे बहुत जोर की प्यास भी लगती है। अरे मैं तो चलते चलते बहुत थक गया हूँ और मुझे बहुत जोर की प्यास भी लगी है, मुझे लगता है वहाँ पर कोई कुआं है, चलो चलकर देखता हूँ। उन्नति राम कुएं के पास जाता है। उसी कुएं में रात के भयानक तूफान में फंसकर एक शेर और एक बंदर तथा सर्प और एक सोनार उसी कुएं में गिर जाते हैं। उन्नति राम जैसे ही अपना घड़ा डालता है तभी शेर रस्सी को पकड़ लेता है। कौन है कुएं के अंदर, कौन है, किसने मेरे घड़े को पकड़ लिया है, छोड़ दो मेरा घड़ा। अरे मुसाफिर, मैं एक शेर हूँ, मैं रात के तूफान में इस कुएं में गिर गया था, यदि तुम मुझे बाहर निकाल लो तो तुम मुझसे जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। अरे नहीं नहीं शेर भाई, मैं तुम्हें बाहर नहीं निकाल सकता, कहीं तुम बाहर आकर मुझे खा गए तो। नहीं नहीं मुसाफिर, मैं तुम्हें खाऊंगा नहीं, कृपया कर मुझे इस कुएं से बाहर निकाल लीजिए। फिर उन्नति राम उस शेर को बाहर निकाल लेता है। हे मुसाफिर, मेरी जान बचाने के लिए मैं तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, मैं यहीं पास की गुफा में ही रहता हूँ, यदि तुम्हें कभी भी किसी प्रकार की मदद की आवश्यकता हो तो मेरे पास अवश्य आना। इतना कहकर शेर वहाँ से चला जाता है। उन्नति राम फिर से अपना पानी का घड़ा कुएं में लटकाता है तो इस बार सर्प रस्सी को पकड़ लेता है। अरे अरे, कौन है कुएं के अंदर जिसने मेरा फिर से घड़ा पकड़ लिया है? हे मुसाफिर, मैं एक सर्प हूँ,
और मैं इस कुएं में आज रात को गिर गया था। कृपा कर मुझे इस कुएं से बाहर निकाल लीजिए। तुम मुझसे जो भी कहोगे मैं वही करूँगा। फिर उन्नति राम उस सर्प को भी कुएं से बाहर निकाल लेता है। हे नेक दिल इंसान, तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए तुम मुझे कभी भी कहीं भी मदद के लिए पुकारना तो मैं दौड़ा चला आऊंगा। इतना कहकर वह सर्प भी वहां से चला जाता है। इसी प्रकार उन्नति राम उस बंदर को भी बाहर निकालता है। हे मुसाफिर, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं चुका सकता। तुम्हें जब भी मेरी मदद की आवश्यकता पड़े तो मेरे पास आ जाना, मैं आपकी मदद अवश्य करूंगा। लेकिन मेरी बात याद रखना, इस कुएं में एक सोनार गिरा हुआ पड़ा है, तुम उसे बाहर मत निकालना, वह बहुत ही दुष्ट तथा कपटी है। उन्नति राम जैसे ही अपना घड़ा कुएं में लटकाता है, तभी वह सोनार घड़े को पकड़ लेता है। अरे बड़े भाई, मुझे इस कुएं से बाहर निकाल लो, मैं बहुत परेशानी में हूँ। यदि तुम मुझे बाहर निकाल लोगे तो मैं तुम्हें सोने चांदी से तौल दूंगा। सोनार की यह बात सुनते ही उन्नति राम सोच में पड़ जाता है। मुझे पैसों की तो आवश्यकता है ही, क्यों ना मैं इसे बाहर निकाल लूं, तो मेरी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ठीक है, आप परेशान मत होइए, मैं अभी आपको बाहर निकाल लेता हूँ। फिर उन्नति राम सोनार को बाहर निकाल लेता है। अरे मूर्ख मुसाफिर, तूने उन दुष्ट जानवरों को पहले बचाया और मुझे बाद में, लेकिन फिर भी मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुझे जब भी मेरी मदद की आवश्यकता पड़े तो मेरे पास आ जाना, मैं संभल नगरी में रहता हूँ। इतना बोलकर वह सोनार भी वहाँ से चला जाता है। फिर उन्नति राम उस कुएं से पानी निकालता है और पी लेता है। अब तो मेरी प्यास बुझ गई है, चलो ऐसा करता हूँ, पहले मैं मदद के लिए उस शेर के पास चलता हूँ, देखता हूँ आखिर वह शेर मेरी क्या मदद कर पाता है। मेरे मित्र ने तो मेरी मदद नहीं की, चलो इस शेर से ही देख लेता हूँ। इतना बोलकर उन्नति राम वहाँ से चल पड़ता है। आइए आइए मुसाफिर, तुम्हारा स्वागत है, बोलिए तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ। शेर तुरंत ही गुफा के अंदर जाता है और दो सोने के कंगन लेकर आता है। ये लो मुसाफिर, मेरे पास इतना ही है, लेकिन इतने में ही तुम्हारा काम हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ, यह कंगन लेकर मैं उसी सोनार के पास जाता हूँ जिसे मैंने कुएं से बाहर निकाला था, वह जरूर इन कंगनों की सही कीमत दे देगा। अरे बोलिए भाई, तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ। अरे भाई, मैं ये कंगन बेचने के लिए आया हूँ। फिर वह सोनार उन कंगनों को ध्यान से देखता है। अरे ये कंगन तो राजा के पुत्र के हैं, जो पुत्र कुछ दिन पहले ही चोरी हो गया था, तो इसका मतलब राजकुमार को तुमने ही चुराया है। नहीं नहीं सोनार भाई, मैं चोर नहीं हूँ, यह कंगन तो मुझे उस शेर ने दिए है जिसकी मैंने कुएं से जान बचाई थी। तुम झूठ बोल रहे हो, चलो राजा के पास, वहीं पर फैसला होगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे बेटे को चुराया और उसके कंगन लेकर यहाँ बेचने आ गए, कहाँ है मेरा बेटा।
महाराज, मैंने आपके बेटे को नहीं चुराया, ये कंगन तो मुझे एक शेर ने दिए थे। सैनिको, यह ऐसे सच नहीं बोलेगा, इसे कारागार में डाल दिया जाए। सैनिक तुरंत ही उन्नति राम को जेल में बंद कर देते हैं। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत में फंस गया हूँ, क्या करूँ, कैसे निकलूँ इस जेल से। मैं ऐसा करता हूँ, अपने मित्र सर्प को बुलाता हूँ। जैसे ही वह उस सर्प का स्मरण करता है, तभी वहाँ पर वह सर्प आ जाता है। बोलिए मित्र, मुझे तुमने यहाँ क्यों बुलाया है और तुम्हें इस कारागार में किसने बंद किया है। फिर उन्नति राम उस सर्प को सारी घटना के बारे में बताता है। तुम परेशान मत हो मित्र, जो मैं कह रहा हूँ उससे ध्यान से सुनो। आज रात मैं इस राजा को डस लूंगा तो राजा मूर्छित हो जाएगा। सुबह होते ही राजा को अनेकों हकीम वैद्य ठीक करने के लिए आएंगे, लेकिन मैं राजा के शरीर से जहर को उतरने नहीं दूंगा। तुम इस कारागार में बैठकर बस यही बोलते रहना कि सर्प का काटा हुआ तो मैं भी ठीक कर लेता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं इस जेल में बंद हूँ, क्या कर सकता हूँ। या तो राजा का दुर्भाग्य है, फिर तुम्हारी इन बातों को कोई ना कोई सुनकर तुम्हें राजा को ठीक करने के लिए अवश्य बुलाएगा। तुम आना और चुपचाप बैठकर झूठ मूठ का मंत्र पढ़ना, तभी मैं राजा के शरीर से अपने जहर के प्रभाव को खत्म कर दूंगा, तो राजा तुम्हें इनाम भी देगा और तुम्हें आजाद भी कर देगा। उन्नति राम ने सर्प के कहे अनुसार ही किया। सर्प वहाँ से चला जाता है और राजा को डस लेता है। सुबह होते ही पूरे राज्य में हंगामा कट जाता है। कई प्रकार के वैद्य डॉक्टर सब आते हैं, लेकिन राजा को कोई ठीक नहीं कर पाता है। क्या बताऊं, मुझे तो राजा ने इस काल कोठरी में बंद कर रखा है, नहीं तो सांप का काटा हुआ मैं दो मंत्र फूंकते ही ठीक कर देता हूँ। लेकिन क्या करूँ, या तो राजा का दुर्भाग्य है कि मैं इस जेल में बंद हूँ। उन्नति राम की ये सारी बातें रानी की दासी सुन लेती है। महारानी जी, राजा साहब ने जिसे जेल में बंद कर रखा है वह सर्प का काटा हुआ ठीक कर लेता है, मैंने अपने कानों से सुना है। सैनिको, जाओ और उस कैदी को मेरे पास लेकर आओ। महारानी जी, क्या बात है, आपने हमें क्यों बुलाया है। मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम सर्प से डसे हुए इंसान को ठीक कर लेते हो। हाँ महारानी जी, मैं ठीक कर लेता हूँ। मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ, तुम मेरे पति को बचा लो, मैं तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूंगी और तुम्हें आजाद भी कर दूंगी। मैं तुम्हें वचन देती हूँ, कृपया जल्दी से महाराज को ठीक कर दीजिए, मेरी आखिरी उम्मीद तुम्हें से है। महारानी जी, आप परेशान मत होइए, मैं अभी राजा साहब को ठीक कर देता हूँ। फिर उन्नति राम अपनी आंखें बंद करता है और झूठ मूठ का मंत्र पढ़ने लगता है। तभी सर्प राजा के शरीर से अपने विष के प्रभाव को खत्म कर देता है। अरे, इस चोर को बाहर किसने आने दिया। महाराज, यह कोई चोर नहीं है, इसने तो आपकी जान बचाई है। फिर महारानी राजा को सारी घटना के बारे में बताती है और उन्नति राम को अपना आधा राज्य दे देती है। मैं ऐसा करता हूँ कि 10 स्वर्ण मुद्राएं ले लेता हूँ और अपनी पत्नी को ले आता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं अपने मित्र बंदर से भी मिलता हुआ चला जाऊंगा।
आइए मित्र, तुम्हारा स्वागत है। बड़े दिनों के बाद आए हो मित्र, मैं तो तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। बोलो मित्र, तुम्हें क्या चाहिए? मित्र, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा मन किया तो मैं तुमसे मिलने चला आया। अरे मित्र, तुमने मेरा जीवन बचाया था, इसलिए मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हें कुछ देना भी चाहता हूँ। फिर बंदर दो फल लेकर आता है। ये लो मित्र, ये इच्छा पूर्ति फल है जो मुझे भगवान शिव ने दिए थे। इस फल से तुम अपनी इच्छा बताकर जिसे भी खिला दोगे तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। ये सुनकर उन्नति राम बहुत प्रसन्न हो जाता है और फल लेकर वहाँ से सीधे सेठ के पास पहुँच जाता है। ये लीजिए सेठ जी अपनी 10 स्वर्ण मुद्राएं। हे इच्छा पूर्ति फल, तुम इस सेठ को एक मुर्गी बना दो। सेठ जी, आज मैं अपनी पत्नी को वापस पाकर बहुत खुश हूँ और इसी खुशी में मैं आपका मुंह मीठा कराना चाहता हूँ। ये लीजिए फल खाइए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लाइए मुझे फल दीजिए। सेठ जैसे ही वह फल खाता है वह एक मुर्गी बन जाता है। हे इच्छा पूर्ति फल, मुझे मेरी पत्नी से एक सुंदर सा पुत्र चाहिए। ये लो चंद्रप्रभा, तुम इस फल को खा लो। जैसे ही चंद्रप्रभा उस इच्छा पूर्ति फल को खाती है, बच्चा मिलने के बाद वह दोनों बहुत ही प्रसन्न होते हैं और अपने राज्य की ओर लौट जाते हैं। अरे हराम खोर मुर्गे, मैं मुर्गी नहीं हूँ, मैं सेठ हूँ, मुझे छोड़ दे,